सीखने के उद्देश्य। इस यूनिट में यूजर्स डिस्प्ले कार्ड एवं मॉनिटर के इन सब पहलुओं को सीखेंगे। डिस्प्ले कार्ड के विभिन्न प्रकार, रेजोल्यूशन और रंग की गहराई या कलर डेप्थ, वीडियो मेमोरी, वीडियो ड्राइवर्स, मॉनिटर्स, सीआरटी निर्माण और उसकी कार्यप्रणाली, सी लैंग्वेज, हॉरिजॉन्टल स्टेज और 15 पिन इनपुट प्रकार के मॉनिटर, ब्लॉक आरेख और रंगीन मॉनिटर्स का विवरण, डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन एवं एलसीडी डिस्प्ले का परिचय, डिस्प्ले कार्ड विकास। ग्राफिक्स कार्ड वर्ष 1981 में आईबीएम द्वारा शुरू किए गए थे। ये मोनोक्रोम डिस्प्ले अडैप्टर या एमडीए के नाम से जाने जाते थे। कार्ड केवल हरे या सफेद टेक्स्ट डिस्प्ले को एक काली स्क्रीन पर उपलब्ध कराता है। नए वीडियो कार्ड के लिए न्यूनतम मानक है वीडियो ग्राफिक्स एरे यानी वीजीए, जो 256 रंग को सपोर्ट करता है। उच्च डिस्प्ले मानकों के साथ वीडियो कार्ड जैसे क्वांटम एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे या QXGA 2040x1536 पिक्सल के रेजोल्यूशंस पर लाखों रंग डिस्प्ले कर सकते हैं। डिस्प्ले कार्ड। डिस्प्ले कार्ड एक विस्तार या एड ऑन कार्ड है जो कि कंप्यूटर से जुड़ा होता है। यह एक डिस्प्ले उपकरण के लिए ग्राफिकल जानकारी प्रदान करने के लिए कंप्यूटर की मदद करता है। डिस्प्ले उपकरण एक मॉनिटर, टीवी या प्रोजेक्टर हो सकता है। डिस्प्ले कार्ड की मदद से कंप्यूटर के ग्राफिक्स सिस्टम प्रभावशाली ढंग से कार्य करते हैं। यह कंप्यूटर पर ग्राफिक्स डिस्प्ले को सुधारता है और ग्राफिक कंपोनेंट्स की कार्यप्रणाली को कंप्यूटर के अन्य भाग के साथ नियंत्रित करता है। डिस्प्ले कार्ड ग्राफिक्स कार्ड, वीडियो अडैप्टर, डिस्प्ले अडैप्टर या ग्राफिक्स अडैप्टर के रूप में भी जाना जाता है। मॉनिटर पर दिखने वाला चित्र छोटे छोटे डॉट्स का बना होता है, जिसे पिक्सेल्स कहा जाता है। मॉनिटर की एक सामान्य रेजोल्यूशन की सेटिंग में 1,000,000 से अधिक पिक्सल होते हैं। कंप्यूटर चित्र बनाने के लिए इसका फैसला लेता है कि हर एक पिक्सल के साथ क्या किया जाएगा। एक अनुवादक सीपीयू से बाइनरी डाटा को चित्र में परिवर्तित करता है, जो कि हम मॉनिटर पर देख सकते हैं। अगर ग्राफिक्स क्षमता मदरबोर्ड में बनाया जाता है तो अनुवादक की जरूरत नहीं होती। इस मामले में रूपांतरण कंप्यूटर द्वारा ही किया जाता है, अन्यथा अनुवाद ग्राफिक्स कार्ड पर होता है। डिस्प्ले कार्ड भौतिक गुण। डिस्प्ले कार्ड सामान्यतः आकार में आयताकार होता है। इसके साइड पर एक या एक से अधिक पोर्ट होते हैं, जिससे इसे डिस्प्ले उपकरणों से जोड़ने में मदद मिलती है। एक बार जुड़ने पर डिस्प्ले कार्ड मदरबोर्ड के लिए एक विस्तारित स्लॉट स्थापित करता है। कुछ डिस्प्ले कार्ड केवल एक पोर्ट रखते हैं, जो केवल एक डिस्प्ले उपकरण के लिए कनेक्शन की अनुमति देते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ के पास कई पोर्ट होते हैं, जो कि कई डिस्प्ले उपकरणों को एक साथ जोड़ने में मदद करते हैं। कभी कभी डिस्प्ले कार्ड सीधे मदरबोर्ड में बनाया जाता है। डिस्प्ले कार्ड कार्यप्रणाली। सीपीयू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के साथ काम करता है और डिस्प्ले कार्ड को चित्र के बारे में जानकारी भेजता है। स्क्रीन पर एक चित्र बनाने के लिए डिस्प्ले कार्ड मॉनिटर में पिक्सेल का उपयोग करता है। मॉनिटर पर एक 3D चित्र प्रदर्शित करने के लिए डिस्प्ले कार्ड पहले सीधे लाइंस के साथ एक तार का फ्रेम बनाता है, उसके बाद शेष पिक्सेल्स भरे जाते हैं। इस प्रक्रिया के साथ साथ डिस्प्ले कार्ड टेक्सचर, रंग और लाइटिंग भी जोड़ता है। एक खेल में जहां चित्र नियमित रूप से बदलते रहते हैं, उनमें कंप्यूटर इन स्टेप्स को कम से कम 60 बार प्रति सेकंड दोहराता है। एक डिस्प्ले कार्ड के साथ कंप्यूटर के काम का बोझ कम हो जाता है। एक डिस्प्ले कार्ड का कार्य डाटा और पावर के लिए मदरबोर्ड के एक कनेक्शन की मदद से पूरा होता है। एक प्रोसेसर यह फैसला लेता है कि स्क्रीन पर प्रत्येक पिक्सेल से क्या करना है। मेमोरी प्रत्येक तस्वीर के बारे में जानकारी रख सकते हैं और पूरा चित्र अस्थायी रूप से रखते हैं। एक मॉनिटर अंतिम परिणाम देखने के लिए। अधिकांश डिस्प्ले कार्ड में पंखे निर्मित या लगे होते हैं, क्योंकि उनसे ऊष्मा उत्पन्न होती है।
पंखे मुक्त कार्ड भी होते हैं जो कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट से उष्मा दूर करने के लिए हीट सिंक का उपयोग करते हैं। डिस्प्ले कार्ड कंपोनेंट्स। एक डिस्प्ले कार्ड के मुख्य कंपोनेंट्स हैं ग्राफिक्स प्रोसेसर, वीडियो मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर, RAM DAC कहे जाते हैं, ड्राइवर सॉफ्टवेयर, VGA, फीचर कनेक्टर, सॉकेट में वीडियो, वीडियो बायोस और लोकल पेरिफेरल बस। मेमोरी में कंटेंट RAM DAC द्वारा रीड किया जाता है। यह कंटेंट एनालॉग RGB सिग्नल में बदल जाता है जो वीडियो केबल के माध्यम से मॉनिटर में भेज दिया जाता है। इस प्रक्रिया को एक सेकेंड में कई बार दोहराया जाता है। RAM DAC द्वारा एक डिजिटल लुकअप टेबल का प्रयोग किया जाता है जो डिजिटल सिग्नल को एक विशिष्ट वोल्टेज लेवल में परिवर्तित करता है। यह वोल्टेज लेवल हर रंग के लिए अलग होता है। जिस रिफ्रेश रेट की रेंज को डिस्प्ले कार्ड सपोर्ट करता है वह RAM DAC द्वारा सूचना का परिवर्तन अथवा ग्राफिक्स प्रोसेसर के डिजाइन पर निर्भर करता है। RAM DAC दिए गए रेजोल्यूशन के लिए उपलब्ध रंगों की संख्या को प्रभावित करता है जो इसकी आंतरिक आर्किटेक्चर पर आधारित है। चलो अब डिस्प्ले कार्ड के कंपोनेंट्स की जांच करें। समर्पित ग्राफिक्स प्रोसेसिंग चिप्स के आगमन ने चित्रों के प्रोसेस करने का समय कम कर दिया। CPU रॉ स्क्रीन चित्र को बफर से और बफर के लिए भेजने की बजाय ड्राइंग निर्देश के एक छोटे सेट भेजते हैं। यह डिस्प्ले कार्ड ड्राइवर द्वारा अनुवाद किया गया है और डिस्प्ले कार्ड प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है। डिस्प्ले कार्ड के प्रोसेसर बिटमैप स्थानांतरण, चित्रकला, विंडो को रीसाइज और रिपोजिशन करना, लाइन ड्राइंग, पॉलीगन ड्रॉ करना और फॉन्ट स्केलिंग संभालते हैं। इस प्रोसेसर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह CPU के सॉफ्टवेयर की बजाय हार्डवेयर में अधिक से अधिक गति पर इन कार्यों को संभाल सकता है। ग्राफिक्स प्रोसेसर फ्रेम बफर में फ्रेम डाटा लिखते हैं। यह कम डाटा स्थानांतरण और सिस्टम बस में कम भीड़ के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार CPU के काम का बोझ कम हो जाता है। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स और इंटरफेसेस। एक डिस्प्ले कार्ड के इनपुट आउटपुट पोर्ट्स और इंटरफेसेस इस तरह से हैं। D सब आउटपुट पोर्ट, S वीडियो आउटपुट पोर्ट, DVI आउटपुट पोर्ट, RCA आउटपुट पोर्ट, D कनेक्टर, VIVO पोर्ट और मॉड्यूलर इनपुट आउटपुट ब्लॉक कनेक्टर्स। D सब आउटपुट पोर्ट, यह पोर्ट मॉनिटर को एनालॉग इनपुट के साथ जोड़ता है। डिजिटल सिग्नल्स इस पोर्ट के माध्यम से भेजे जाने से पहले RAM DAC रूपांतरण के माध्यम से जाते हैं क्योंकि यह केवल एनालॉग इनपुट करने में सक्षम है। S वीडियो आउटपुट पोर्ट। S वीडियो अलग से वीडियो को दर्शाता है। प्रारंभिक काल में वीडियो आउटपुट को प्राप्त करने के लिए वीडियो एनकोडर की जरूरत पड़ती थी। 5-पिन S वीडियो पोर्ट हस्तक्षेप से बचने के लिए ल्यूमिनेंस और रंग के सिग्नल्स को अलग करती है जिससे सिग्नल की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। DVI आउटपुट पोर्ट। बहुत सारे ग्राफिक्स प्रोसेसर में इंटीग्रेटेड ट्रांजिशन मिनिमाइज्ड डिफरेंशियल सिग्नल्स होते हैं। DVI पोर्ट के माध्यम से TMDS ट्रांसमीटर डायरेक्ट डिजिटल आउटपुट LCD मॉनिटर को पहुंचाते हैं। यह पोर्ट डिजिटल सिग्नल को डिस्प्ले कार्ड से LCD स्क्रीन में पारित करने की जरूरत को सुनिश्चित करता है। RCA आउटपुट पोर्ट। यह AV पोर्ट या कंपोजिट वीडियो कनेक्टर के रूप में भी जाना जाता है। यह आमतौर पर घर में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में देखा जाता है। यह एक वीडियो और दो ऑडियो सिग्नल्स में विभाजित किया जाता है। D कनेक्टर। D के आकार का कनेक्टर डिजिटल वीडियो सिग्नल्स के डायरेक्ट स्थानांतरण के लिए प्रयोग किया जाता है। यह HDTV में पाया जाता है। VIVO पोर्ट। VIVO पोर्ट एक वीडियो इनपुट आउटपुट पोर्ट है। यह हाई एंड उत्पादों पर पाया जाता है और एक 9-पिन S वीडियो पोर्ट के रूप में होता है। यह VIVO अडैप्टर के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है। मॉड्यूलर IO ब्लॉक कनेक्टर्स। यह 9-पिन S वीडियो पोर्ट के रूप में होता है
और एक अडैप्टर यानी कंपोनेंट आउटपुट के साथ के द्वारा विभिन्न एचडीटीवी मीडिया को सपोर्ट करता है, जिसमें 720p, 720i और 1080i भी शामिल हैं। इस प्रकार के अडैप्टर RCA और S-Video आउटपुट एक्सपेंशन भी प्रदान करते हैं। डिस्प्ले कार्ड की विशेषताएं। वह विशेषताएं जो डिस्प्ले कार्ड की क्षमता का निर्धारण करती हैं, वे इस प्रकार से हैं। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट GPU, वीडियो मेमोरी, फिल रेट, शेडर्स। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट GPU का अर्थ है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। इसे विजुअल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। GPU की फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। जब GPU की फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, तब डिस्प्ले कार्ड तेजी से डाटा का स्थानांतरण कर सकता है। डिस्प्ले कार्ड पर GPU डाटा को पाइपलाइंस, जो समानांतर रेखाएं होती हैं, उनमें प्रोसेस करता है। जब एक कार्ड के पास अधिक पाइपलाइन होती है, तब डाटा का स्थानांतरण तेजी से हो सकता है। कुछ कार्ड्स अतिरिक्त प्रदर्शन के लिए ड्यूअल यानी कि दोहरी GPUs रखते हैं। मेमोरी। वीडियो मेमोरी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं आकार, गति या फ्रीक्वेंसी और मेमोरी बस। एक व्यापक मेमोरी बस वीडियो कार्ड GPU और वीडियो मेमोरी के बीच प्रति सेकंड अधिक डाटा स्थानांतरित करती हैं। आधुनिक वीडियो कार्ड का मेमोरी साइज 128 MB से 1024 MB तक के रेंज का होता है। अगर आपको हाई मेमोरी साइज बनाम व्यापक मेमोरी बस के बीच चयन करना पड़े, तो व्यापक बस को चुनें। फ्रीक्वेंसी अन्य पैरामीटर है जो कि सीधे मेमोरी बैंडविड्थ को प्रभावित करता है। मेमोरी बैंडविड्थ दोनों मेमोरी फ्रीक्वेंसी और उसके बस की चौड़ाई पर निर्भर करता है और गेमिंग और वीडियो रेंडरिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उदाहरण के लिए 256-bit बस और 1000 MHz की मेमोरी फ्रीक्वेंसी के साथ वीडियो कार्ड का एक 128-bit बस और 1400 MHz मेमोरी से बेहतर बैंडविड्थ होगा। गंभीर गेमर्स के लिए हम 128-bit बस से कम किसी भी वीडियो कार्ड की सलाह नहीं देते हैं। सभी आधुनिक वीडियो कार्ड में DDR या GDDR मेमोरी है। यह आमतौर पर इसके प्रभावी फ्रीक्वेंसी द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है, जो वास्तविक भौतिक फ्रीक्वेंसी से दुगनी है। उदाहरण के लिए, यदि DDR फ्रीक्वेंसी 1500 MHz से स्पेसिफाई किया जाता है, तो मेमोरी भौतिकी रूप से 750 MHz पर ऑपरेट करेगा। फिल रेट। एक डिस्प्ले कार्ड मॉनिटर पर चित्र को ड्रॉ करने के लिए स्क्रीन को डॉट्स से भरता है। कितनी तेजी से वीडियो कार्ड रेंडर कर सकता है और स्क्रीन के चित्र को डॉट से फिल कर सकता है, उसे फिल रेट कहते हैं। फिल रेट मेगापिक्सल या गीगापिक्सल प्रति सेकंड में दिए गए हैं। फिल रेट के दो प्रकार होते हैं, अर्थात पिक्सल फिल रेट, टेक्सल फिल रेट। पिक्सल फिल रेट पिक्सल को ड्रॉ करने की गति की विशेषता को बतलाता है और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी और ROP यूनिट की राशि रैस्टर ऑपरेशंस पाइपलाइन पर निर्भर करता है। टेक्सल फिल रेट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी और टेक्सचर यूनिट्स की राशि पर निर्भर करता है। शेडर्स। शेडर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैं जो GPU पर चलते हैं। शेडर तीन प्रकार के होते हैं, अर्थात पिक्सल शेडर, वर्टेक्स शेडर, ज्योमेट्री शेडर। पिक्सल शेडर। पिक्सल शेडर एक खास इफेक्ट को लाने के लिए पिक्सल रंग को मैनिपुलेट करता है। वर्टेक्स शेडर। वर्टेक्स शेडर 3D तत्वों को डिफॉर्म करता है, इसे विशेष इफेक्ट देने के लिए प्रयोग किया जाता है। ज्योमेट्री शेडर। ज्योमेट्री शेडर ग्राफिक्स प्रिमिटिव जैसे पॉइंट्स, लाइन्स और त्रिकोण उत्पन्न करता है। डिस्प्ले कार्ड के प्रकार। डिस्प्ले कार्ड चार प्रकार के होते हैं, इंटीग्रेटेड, PCI, AGP और PCI एक्सप्रेस। इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड डिस्प्ले कार्ड मदरबोर्ड के साथ आता है। यह ऑन बोर्ड ग्राफिक्स कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। यह डिफॉल्ट विकल्प है जो कि कई मदरबोर्ड के साथ आता है।
यह समय लेने के आधार पर सबसे कम शक्तिशाली माना जाता है। हालांकि इसे अपग्रेड किया जा सकता है, पर पुराने डिस्प्ले कार्ड को नज़रअंदाज कर नए डिस्प्ले कार्ड को प्लग करने की आवश्यकता हो सकती है। PCI PCI का अर्थ है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। यह डिस्प्ले कार्ड पुराने मदरबोर्ड का एक हिस्सा होता है जो कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए मदरबोर्ड में PCI स्लॉट का उपयोग करता है। फिर PCI कार्ड पुराने मदरबोर्ड में पाए जाते हैं और थोड़े पुराने और अप्रचलित होते हैं। AGP इसका अर्थ है एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। यह डिस्प्ले कार्ड को जोड़ने के लिए एक उच्च गति वाला चैनल है। AGP डिस्प्ले कार्ड्स की चार गतियां होती हैं। ये गतियां हैं 1X, 2X, 4X और 8X। हालांकि अगर मदरबोर्ड कम गति को सपोर्ट करता है तो डिस्प्ले कार्ड कम गति के अनुसार व्यवहार करेंगे। AGP डिस्प्ले कार्ड के महत्वपूर्ण गुणों में से एक यह है कि वे PCI डिस्प्ले कार्ड की तरह अत्यधिक कंपैटिबल होते हैं। PCI एक्सप्रेस यह सबसे एडवांस्ड या विकसित डिस्प्ले कार्ड है। यह मदरबोर्ड PCIe स्लॉट से जुड़ा होता है। इन कार्ड्स की एक विशेष सुविधा यह है कि इन्हें 16x की गति तक एक्सेलरेट किया जा सकता है। इसके अलावा मदरबोर्ड जिसके पास एक से अधिक PCIe डिस्प्ले कार्ड स्लॉट होते हैं उससे एक से अधिक PCIe डिस्प्ले कार्ड जोड़े जा सकते हैं। डिस्प्ले कार्ड की इंस्टॉलेशन। एक कंप्यूटर की गति और प्रोसेसिंग की शक्ति बढ़ाने के लिए डिस्प्ले कार्ड इंस्टॉल किया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए नए डिस्प्ले कार्ड इंस्टॉल करने से पहले मौजूदा ग्राफिक्स के साथ सिस्टम को कॉन्फिगर किया जाना चाहिए। नई इंस्टॉलेशन शुरू करने से पहले पुराने ड्राइवर्स को अनइंस्टॉल करें। प्रक्रिया शुरू करने से पहले निर्माता के निर्देशों को ठीक से पढ़ें। डिस्प्ले कार्ड इंस्टॉल करने के स्टेप्स इस प्रकार से हैं। ए, PC का प्लग निकालें। बी, केस की बैक से मॉनिटर केबल डिस्कनेक्ट करें। सी, पुरानी डिस्प्ले कार्ड का पता लगाएं और इसे हटा दें। डी, उसके स्थान पर नया डिस्प्ले कार्ड रखें। ई, एक बार कार्ड सुरक्षित हो तो सभी कनेक्टर्स, पावर कनेक्टर्स सहित को जहां आवश्यक हो अटैच करें। एफ, केस को बंद करें और मॉनिटर और अन्य केबल जो कि डिस्कनेक्ट किया गया था उन्हें फिर से कनेक्ट करें। जी, PC का स्विच ऑन करें। एच, ड्राइवर्स को इंस्टॉल करें। आई, PC को पुनः आरंभ करें। एक बार इंस्टॉलेशन पूरा होने पर इंस्टॉलेशन की पुष्टि करने के लिए कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए हार्डवेयर की सूची की जांच करना आवश्यक है। डिस्प्ले कार्ड का विस्तृत उपयोग। प्रारंभ में डिस्प्ले कार्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया। इसने खेल खेलने और अच्छी गुणवत्ता वाले वीडियो को देखने में सपोर्ट किया। डिस्प्ले कार्ड को खरीदने का प्राथमिक कारण अभी भी समान है, पर डिस्प्ले कार्ड के उपयोग गेमिंग और मीडिया अनुभव बढ़ाने से परे चले गए हैं। डिस्प्ले कार्ड कंप्यूटिंग सिस्टम का एक हिस्सा होते जा रहे हैं। बहुत से यूजर इंटरफेस सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे वेब ब्राउजर्स बेहतर प्रदर्शन और दृश्य अनुभव प्रदान करने के लिए डिस्प्ले कार्ड की तलाश करते हैं। GPUs ने बहुत से कंप्यूटिंग उपकरणों जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर्स में प्रमुख उपस्थिति बना ली है। कंप्यूटर अब विशेष प्रोसेसर्स के साथ परिचित हैं। डिस्प्ले कार्ड कंप्यूटिंग की दुनिया में सबसे सफल और व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं में से एक हैं। डिस्प्ले कार्ड हाई एंड विवरण और महान परिभाषा के साथ रियल टाइम एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्ले कार्ड के लाभ। डिस्प्ले कार्ड का लाभ गति में वृद्धि करना है जिससे सिस्टम के प्रदर्शन में सुधार आता है। इंडिपेंडेंट GPU के कारण खेल और फोटो या वीडियो इंटेंसिव एप्लीकेशंस तेजी से रन करते हैं। CPU और मेमोरी से बहुत संसाधनों को मुक्त कराया जाता है
क्योंकि यदि ऑनबोर्ड वीडियो का प्रयोग किया जाता है तो उनको अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। वीडियो कार्ड में दोनों प्रोसेसर और रैम निर्मित होता है जो वीडियो का ख्याल रखता है और अन्य कार्यों के लिए संसाधनों को मुक्त करता है। डिस्प्ले कार्ड की हानियां। डिस्प्ले कार्ड की हानियों में अधिक पावर की आवश्यकता शामिल है। एक हाई एंड कार्ड में भी पावर सप्लाई की वृद्धि की आवश्यकता पड़ सकती है। इसे पीसी के केस में जगह और उचित स्लॉट की भी आवश्यकता पड़ती है। मॉनिटर। मॉनिटर कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न जानकारी को प्रदर्शित करता है। यह एक उपकरण है जो कि एक केबल के माध्यम से जानकारी के स्रोत जैसे कि एक मदरबोर्ड से जुड़ा है। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में भी जाना जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर का प्रयोग चित्र, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए किया जाता है। यह सीपीयू से जानकारी पहुंचाता है। मॉनिटर्स कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, प्लाज्मा, लाइट एमिटिंग डायोड और ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले हो सकता है। मॉनिटर्स विभिन्न आकारों में आते हैं। नवीनतम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से डिस्प्ले की गुणवत्ता और मॉनिटर के कामकाज में सुधार हुआ है। अच्छे डिस्प्ले के साथ एडवांस्ड प्रकार के मॉनिटर यूजर के लिए एक बेहतर अनुभव प्रदान करते हैं। सीआरटी का सबसे पहला वर्जन वर्ष 1897 में किया गया था। यह फर्डिनेंड ब्राउन नाम के एक जर्मन भौतिक शास्त्री द्वारा आविष्कार किया गया था। इसे ब्राउन ट्यूब के नाम से भी बुलाया जाता था। यह कोल्ड कैथोड डायोड का उपयोग कर बनाया गया था जो क्रूक्स ट्यूब का संशोधन था जिसमें फॉस्फर कोटेड स्क्रीन का उपयोग किया गया था। मॉनिटर की विशेषताएं। मॉनिटर के विभिन्न विशेषताएं हैं जो उनकी गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। वे हैं साइज, रेजोल्यूशन, बैंडविड्थ, रिफ्रेश रेट, इंटरलेसिंग, डॉट प्रति इंच, डॉट पिच, कन्वर्जेंस। साइज। यह मॉनिटर के डायगोनल साइज को दर्शाता है। यह एक वर्टेक्स से डायगोनली विपरीत वर्टेक्स तक मापा जाता है। रेजोल्यूशन। यह पिक्सेल पैकिंग का घनत्व है। मॉनिटर्स स्क्रीन को लाखों पिक्सेल्स में विभाजित करता है जो कि रोज और कॉलम्स में व्यवस्थित होते हैं। मॉनिटर के डिस्प्ले की गुणवत्ता काफी हद तक अपने रेजोल्यूशन पर निर्भर करती है। रंगीन मॉनिटर पर प्रत्येक पिक्सेल के 3 डॉट्स होते हैं, लाल, हरे और नीले। बैंडविड्थ। यह डाटा की मात्रा को दर्शाता है जो दिए गए अवधि में ट्रांसमिट किया जा सकता है। यह डिजिटल उपकरणों के लिए बिट्स या बाइट्स प्रति सेकंड में व्यक्त किया जाता है और एनालॉग डिवाइसेस के लिए हर्ज में। रिफ्रेश रेट। मॉनिटर्स को प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश रेट हर्ज में मापा जाता है। जब मॉनिटर तेजी से रिफ्रेश होते हैं तब ये कम बार के लिए फ्लिकर करते हैं। इंटरलेसिंग। यह एक चित्र की स्कैनिंग की तकनीक है जिसमें एक समय में एक लाइन की स्कैनिंग करने के बजाय प्रत्येक पास में अल्टरनेट लाइंस की स्कैनिंग करता है। यह बैंडविड्थ नीचे रखता है। नवीनतम टेक्नोलॉजी के आगमन के साथ अधिकतर मॉनिटर इन दिनों नॉन इंटरलेस हैं। डॉट प्रति इंच। इसकी गणना ऑन स्क्रीन चित्र के शार्पनेस को मापने के लिए की जाती है। यह दो कारकों पर निर्भर करता है अर्थात रेजोल्यूशन और चित्र का साइज। डॉट पिच। यह डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रत्येक पिक्सल के बीच वर्टिकल दूरी की माप है। यह मिलीमीटर में मापा जाता है। यह उन विशेषताओं में से एक है जो कि मॉनिटर की गुणवत्ता का निर्धारण करती है। कन्वर्जेंस। यह स्क्रीन पर दिखाई देने वाले हर एक पिक्सल की शार्पनेस को दर्शाता है। प्रत्येक पिक्सल 3 डॉट्स से बना है। ये डॉट्स लाल, नीले और हरे रंग के होते हैं। अगर यह बिंदु बुरी तरह से कन्वर्ज होते हैं तो पिक्सल स्क्रीन पर धुंधली दिखाई देती है। मॉनिटर के प्रकार। टेक्नोलॉजी प्रगति के साथ 3 प्रकार के मॉनिटर्स होते हैं। सीआरटी मॉनिटर्स, एलसीडी मॉनिटर्स, एलईडी मॉनिटर्स। सीआरटी का निर्माण और कार्य। सीआरटी मॉनिटर
कंप्यूटर से वीडियो सिग्नल्स को प्राप्त करता है और डॉट्स के रूप में सीआरटी स्क्रीन पर जानकारी प्रदर्शित करता है। सीआरटी कंट्रोलर सर्किट सीआरटी मॉनिटर के साथ सिंक्रोनाइज कर काम करता है। सीआरटी मॉनिटर के मुख्य यूनिट पिक्चर ट्यूब है। सीआरटी का एक शंक्वाकार आकार है, वहां पर मॉनिटर के बैक एंड में एक इलेक्ट्रॉन गन होती है और सामने एक फॉस्फर स्क्रीन है। इलेक्ट्रॉन गन से चलाई गई इलेक्ट्रॉन की एक किरण स्क्रीन की दिशा में एक वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से यात्रा करती है। इलेक्ट्रॉन बीम फॉस्फर स्क्रीन पर स्ट्राइक करती है और जिस बिंदु पर स्ट्राइक करती है उसको इल्यूमिनेट कर देती है। अधिकांश सीआरटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन का उपयोग करते हैं। यह स्क्रीन के विभिन्न स्थानों को इल्यूमिनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉयल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉयल क्रमशः हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दिशाओं में बीम डिफ्लेक्ट करते हैं। फॉस्फर के परसिस्टेंस के कारण जो इल्यूमिनेशन की गई वह कुछ मिलीसेकंड के लिए रहता है। निरंतर इल्यूमिनेशंस स्क्रीन पर स्थायी चित्र बनाती हैं। यह इलेक्ट्रॉन बीम के साथ स्क्रीन पर स्कैनिंग से हासिल किया जाता है। रैस्टर स्कैन। स्कैनिंग का सबसे सामान्य प्रकार रैस्टर स्कैन कहा जाता है। इस स्कैन में इलेक्ट्रॉन बीम को स्क्रीन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आगे और पीछे, दाईं से बाईं की ओर, बाईं से दाईं की ओर, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर चलाया जाता है। एक चित्र का निर्माण करने के लिए बीम को ऑन और ऑफ किया जाता है। एच सिंक कंप्यूटर से हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइज प्रदान करता है और वी सिंक वर्टिकल सिंक्रोनाइज प्रदान करता है। सीआरटी की इंटरफेसिंग। सीआरटी दो प्रकार के चित्रों को डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले और ग्राफिक डिस्प्ले। अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले का उपयोग अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। ग्राफिक डिस्प्ले का उपयोग चित्र, नक्शे, चार्ट को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। ये अल्फा न्यूमेरिक जानकारी भी डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के लिए सीआरटी इंटरफेसिंग दो तरीकों से किए जा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं: TTL वीडियो इंटरफेस और कंपोजिट वीडियो इंटरफेस। TTL वीडियो इंटरफेस में कंप्यूटर वीडियो एच सिंक और वी सिंक सिग्नल्स अलग तारों में भेजता है। कंपोजिट वीडियो इंटरफेस में तीन सिग्नल्स मिश्रित रहते हैं और कंपोजिट वीडियो वेवफॉर्म में भेजे जाते हैं। इंटरफेस प्रकार के आधार पर मॉनिटर्स TTL मॉनिटर्स या कंपोजिट वीडियो मॉनिटर्स हो सकते हैं। मॉनिटर रेजोल्यूशन। चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए एक मॉनिटर में क्या होना चाहिए? रेजोल्यूशन एक सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। रेजोल्यूशन पिक्सेल की संख्या है जो कि किसी दिए गए साइज या आयाम के लिए एक स्क्रीन पर दिखता है। आयाम चौड़ाई से ऊंचाई के रूप में वर्णन किया जाता है, जैसे 1024x768। इसका मतलब यह है कि स्क्रीन का रेजोल्यूशन 1024 पिक्सेल चौड़ा और 768 पिक्सेल लंबा है। यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि रेजोल्यूशन मॉनिटर के भौतिक आकार पर निर्भर नहीं है। बड़े मॉनिटर का कम रेजोल्यूशन और छोटे मॉनिटर का उच्च रेजोल्यूशन हो सकता है। रेजोल्यूशन सीआरटी और एलसीडी। जब रेजोल्यूशन की बात आती है तो सीआरटी और एलसीडी मॉनिटर के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। सीआरटी मॉनिटर कई रेजोल्यूशन में सक्षम है, जबकि एलसीडी मॉनिटर में केवल एक मूल या नेटिव रेजोल्यूशन है। दूसरे शब्दों में, एक उच्च रेजोल्यूशन का मॉनिटर स्क्रीन पर अधिक दिखा सकते हैं। जब रेजोल्यूशन उच्च होता है तो स्क्रीन को रिफ्रेश की अनुमति देने के लिए इनपुट बैंडविड्थ पर्याप्त होना चाहिए। रिफ्रेशिंग उच्च रेजोल्यूशन के साथ मुमकिन है क्योंकि मॉनिटर को बहुत सारी जानकारी भेजना होता है। रिफ्रेश रेट्स। रिफ्रेश रेट मॉनिटर द्वारा डिस्प्ले क्षेत्र के ऊपर से कितनी बार बीम पारित करने की संख्या को संदर्भित करता है।
यह रेट व्यापक रूप से भिन्न होते हैं, जो कि यूजर के कंप्यूटर के सेटिंग्स और वीडियो कार्ड जो डिस्प्ले को ड्राइव कर रहा है उसकी सक्षमता पर निर्भर करते हैं। तो रिफ्रेश रेट क्या महत्व रखता है? सीआरटी डिस्प्ले को लंबी अवधि तक देखकर आंखों में थकान पैदा हो सकती है। कम रिफ्रेश रेट पर चलने वाले मॉनिटर्स समय की एक छोटी राशि में इस थकान का कारण होते हैं। आमतौर पर यह सबसे अच्छा होगा कि कोशिश करके ऐसी डिस्प्ले ली जाए जो 75 हर्ट्ज या उससे बेहतर डिस्प्ले वांछित रेजोल्यूशन पर देंगे। 60 हर्ट्ज न्यूनतम माना जाता है और यह आमतौर पर वीडियो ड्राइवर्स और विंडोज में मॉनिटर्स का डिफॉल्ट रिफ्रेश रेट होता है। कलर डेप्थ। एक मॉनिटर पर प्रदर्शित किए जाने वाले रंग की संख्या कलर डेप्थ कहलाते हैं। यह सामान्य रूप से बिट्स में वर्णन किए जाते हैं। उदाहरण के लिए 8 बिट 28 रंग को दर्शाती है, जो 256 रंग को डिस्प्ले कर सकते हैं। 16 बिट 216 रंग को दर्शाती है, जो 65,536 रंग को डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी तरह 24 बिट जिन्हें ट्रू कलर्स भी संदर्भित किया जाता है, वह 1.6 करोड़ से अधिक रंग के लिए अनुमति देता है। कलर डेप्थ या रंग की गहराई और डिस्प्ले की गुणवत्ता के बीच जो नियम मौजूद है वह यह है कि जब रंग की गहराई उच्च होती है वहां डिस्प्ले की गुणवत्ता बेहतर होगी। जब रंग की गहराई 16 बिट से कम होगी तब डिस्प्ले कार्ड चित्र को गड़बड़ करने के लिए मजबूर होगा। डिदरिंग। डिदरिंग कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा रंगों के मिश्रण से एक रंग का अनुमान करने के लिए प्रयास है जब अन्य आवश्यक रंग उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि अगर डिदरिंग प्रभावी है तब भी चित्र की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी। ऐसे मामलों में चित्र दानेदार, धब्बेदार या अजीब दिखेंगे। कम गहराई के रंग का उपयोग करने का लाभ यह है कि यह कम मेमोरी का उपयोग करता है और रंग के रेजोल्यूशन की कमी की पूर्ति करता है। लेकिन आधुनिक सिस्टम्स में अच्छी तरह से उच्च गहराई वाले रंग हैं। उल्लेखनीय यह है कि उच्च रेजोल्यूशन और गहरे रंग वाली गहराई या डेप्थ के लिए अधिक वीडियो मेमोरी की आवश्यकता होती है। सीआरटी मॉनिटर्स के लाभ। इस तथ्य के बावजूद कि सीआरटी मॉनिटर्स पुराने होते जा रहे हैं, बहुत से लोग अभी भी इसके फायदे की वजह से सीआरटी मॉनिटर का उपयोग करना पसंद करते हैं। सीआरटी मॉनिटर के लाभ इस प्रकार से हैं। चूंकि टेक्नोलॉजी परिपक्व हो गई है, वे कम कीमत पर उपलब्ध हैं। रंग निष्ठा और आवश्यक ग्राफिक्स कलाकारों के लिए सीआरटी पर बेहतर हैं। कंट्रास्ट अनुपात उचित ब्लैक्स की धारणा को अनुमति देता है। गहरे शेड्स गहरे होते हैं, चित्रों को एडजस्ट किया जा सकता है। यह वेब सर्फिंग के लिए उपयोगी है क्योंकि यह रिच कलर और क्रिस्प ग्राफिक्स का उपयोग करता है और टेक्स्ट भी शार्प है। यह मल्टीपल या कई रेजोल्यूशन पर बेहतर काम करता है। सीआरटी मॉनिटर से कुछ और लाभ इस प्रकार से हैं। सीआरटी पर एक फुल मोशन वीडियो का डिस्प्ले बेहतर है। सीआरटी मॉनिटर अधिक पिक्सल देता है। यह अधिक से अधिक स्क्रीन का विवरण प्रदान करता है और स्क्रॉल किए बिना एक डॉक्यूमेंट को और अधिक देखने की क्षमता प्रदान करता है। इसके पास बेहतर व्यूइंग एंगल्स हैं। आधुनिक वर्जन में भी ऊर्जा एफिशिएंसी के लिए एक स्लीप मोड भी है। फ्लैट व्यूइंग स्क्रीन भी उपलब्ध है। मजबूत ग्लास स्क्रीन आसानी से आकस्मिक या कैजुअल स्पर्श से क्षतिग्रस्त नहीं होती हैं। सीआरटी मॉनिटर्स की हानियां। जबकि सीआरटी मॉनिटर के अपने फायदे हैं पर कुछ हानियां भी हैं। हानियों पर नजर डालते हैं। सीआरटी मॉनिटर से विकिरण उत्सर्जन यानी रेडिएशन एमिशन अधिक है। मॉनिटर आकार में बड़ा है और इसलिए ज्यादा जगह ले लेता है। यह भारी है। यह बहुत ज्यादा ऊर्जा का खपत करता है और बहुत गर्मी का उत्सर्जन करता है। प्रयोग करने योग्य स्क्रीन क्षेत्र के लिए माप भिन्न होता है। मेज पर माउंटिंग के लिए ज्यादा विकल्प नहीं है। सीआरटी मॉनिटर्स की कमियां।
सीआरटी मॉनिटर जो कि पहले के दिनों में विकसित किए गए थे उनके स्क्रीन कर्व्ड या वक्रीय थे। हालांकि तकनीकी इनोवेशन से फ्लैट स्क्रीन का निर्माण हुआ, ये फ्लैट स्क्रीन अभी भी आकार में भारी थे क्योंकि इनके अंदर कैथोड रे ट्यूब होता है। यूजर्स जो विकिरण के प्रभाव के बारे में चिंतित थे उन्होंने एंटी रेडिएशन और एंटी ग्लेयर फिल्टर्स का उपयोग किया। सीआरटी स्क्रीन के पास गहरे कैबिनेट्स और एक दिए गए साइज या आकार के लिए रियर प्रोजेक्शन डिस्प्लेज होते हैं। यह सीआरटी मॉनिटर्स को 40 इंच से बड़ा होने की अनुमति नहीं देता है। सीआरटी मॉनिटर्स की मांग। सीआरटी स्क्रीन की मांग 2000 के बाद से गिर गई है। यह गिरावट दशक के दूसरे भाग में तेज हुई। हाई एंड सीआरटी का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन 2010 में समाप्त हो गया। कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में सीआरटी मॉनिटर की बिक्री 2007 में समाप्त हो गई। सीआरटी मॉनिटर जो कि 5 साल से कम पुराने थे और उनकी क्षमता से अच्छा डिस्प्ले देने के बावजूद उन्हें नवीनतम तकनीक के साथ बदल दिया गया था। सीआरटी मॉनिटर्स की वर्तमान आवश्यकता। सीआरटीज अभी भी उद्योग जैसे प्रिंटिंग और ब्रॉडकास्टिंग, प्रोफेशनल वीडियो, फोटोग्राफी और ग्राफिक्स के क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं। सीआरटी मॉनिटर मस्तिष्क के विजुअल प्रोसेसिंग के अध्ययन में भी उपयोग किया जा रहा है। जिस गति से ये रिस्पॉन्ड करते हैं और सादे डिजाइन के लिए इन्हें वैज्ञानिकों के लिए उपयुक्त माना जाता है जिन्हें ऑब्जर्वर के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए स्टिमुली पर अधिक नियंत्रण की जरूरत होती है। सीआरटी मॉनिटर्स का स्वास्थ्य पर खतरा। सीआरटी मॉनिटर के उपयोग से भी कई स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं जुड़ी हैं। मॉनिटर द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा हानिकारक मानी जाती है। पुराने सीआरटी मॉनिटर्स में कैडमियम जैसे जहरीले पदार्थ रह सकते हैं। सीआरटी मॉनिटर के रियर ग्लास ट्यूब भी लेडेड ग्लास से बनाया जा सकता है। कम रिफ्रेश रेट एक चिड़चिड़ी फ्लिकर पैदा कर सकता है जो कि पेरिफेरल विजन के साथ लोगों को देखने में प्रभावित कर सकते हैं। कांच से घिरी कैथोड रे ट्यूब के अंदर उच्च वैक्यूम इलेक्ट्रॉन बीम को स्वतंत्र रूप से उड़ान भरने के लिए अनुमति देता है। हालांकि कैथोड रे ट्यूब के पास इपॉक्सी बॉन्डेड फेस प्लेट्स हैं और एनवेलप के बिखरने से बचने के लिए अन्य उपाय हैं, पर क्षति से बचने के लिए सीआरटी को सावधानी से संभालना महत्वपूर्ण है। सीआरटी को रिसाइकल करना बहुत मुश्किल है। उनमें लेड और फॉस्फोरस की उच्च जमाव है जो कि डिस्प्ले के लिए आवश्यक हैं। लेड युक्त सीआरटी ग्लास को पिघलाकर अन्य सीआरटी में या तोड़कर सड़कों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। मॉनिटर्स के प्रकार। जैसा हम सब जानते हैं कि मॉनिटर डिस्प्ले उपकरण है जो कंप्यूटर केस से बाहर है और वीडियो कार्ड या मदरबोर्ड पर एक केबल के माध्यम से एक पोर्ट से कनेक्ट होते हैं। हालांकि मॉनिटर कंप्यूटर के आवास से बाहर है पर यह पूरे सिस्टम का एक अनिवार्य हिस्सा है। मॉनिटर्स के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, ये हैं एलसीडी तथा सीआरटी। सीआरटी मॉनिटर पुराने जमाने के टेलीविजन की तरह लगते हैं और आकार में बहुत गहरे होते हैं। एलसीडी मॉनिटर बहुत पतले होते हैं, कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं और अधिक से अधिक ग्राफिक्स की गुणवत्ता प्रदान करते हैं। एलसीडी मॉनिटर पूरी तरह से अपने उच्च गुणवत्ता, मेज पर छोटे पदचिन्ह और कम कीमत की वजह से सीआरटी मॉनिटर को अप्रयुक्त या ऑब्सोल्यूट बना दिए हैं। एलसीडी। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या एलसीडी मॉनिटर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का उपयोग कर चित्रों को प्रदर्शित करता है। एलसीडी का मुख्य लाभ यह है कि यह कम जगह लेता है और हल्का है। एलसीडी ने बेहतर रंग और तस्वीर की गुणवत्ता प्रदान करके सीआरटी की जगह ले ली है। एलसीडी मॉनिटर ऊर्जा एफिशिएंट है और एक सीआरटी मॉनिटर की तुलना में अधिक सुरक्षित रूप से डिस्पोज किया जा सकता है। एलसीडी का विकास। किसने लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की खोज की? ऑस्ट्रियाई वनस्पति शास्त्री यानी बॉटनिस्ट और रसायनज्ञ यानी केमिस्ट फ्रेडरिक राइनिट्जर ने साल 1888 में सबसे पहले लिक्विड क्रिस्टल की खोज की। आरसीए शोधकर्ता रिचर्ड विलियम्स
वर्ष 1962 में लिक्विड क्रिस्टल पदार्थ का उपयोग कर वोल्टेज लगाने में धारी पैटर्न उत्पन्न किया। 1964 और 1968 के बीच वैज्ञानिकों की एक नई टीम ने पहले लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले को प्रदर्शन द्वारा स्पष्ट किया। इस इनोवेशन ने ग्लोबल या वैश्विक उद्योग के लिए मार्ग खोल दिया, जो कि लाखों एलसीडी पैदा करता है। सबसे सामान्य एलसीडी जो कि हम इन दिनों उपयोग कर रहे हैं, वह एलिमेंट्स या पिक्सेल्स के आधार पर है, जो कि लिक्विड क्रिस्टल सेल्स या कोशिकाओं से बनते हैं। इलेक्ट्रिक वोल्टेज के जवाब में ये सेल्स या कोशिकाओं को उनके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश के पोलराइजेशन की दिशा बदलनी होती है। एलसीडी मॉनिटर की संरचना। एक एलसीडी मॉनिटर 5 परतों से बना है। वे हैं काला प्रकाश, पोलराइज्ड कांच की एक शीट, रंगीन पिक्सेल्स का एक मास्क, रिस्पॉन्सिव लिक्विड क्रिस्टल सॉल्यूशन का एक ग्रिड परत या लेयर और पोलराइज्ड कांच की एक और शीट। एलसीडी मॉनिटर के कार्य। एलसीडी मॉनिटर पर प्रत्येक पिक्सेल 3 सब पिक्सेल से बना है। उनके सामने लाल, हरे और नीले रंग के फिल्टर होते हैं। प्रत्येक सब पिक्सेल लिक्विड क्रिस्टल अणुओं के एक समूह से बना है। ये अणु 2 पोलराइजिंग फिल्टर के बीच मैश किए हुए हैं और इलेक्ट्रोड्स के बीच सस्पेंड कर दिया गया है। 2 फिल्टर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। जब प्रकाश पहले फिल्टर के पीछे के लाइट सोर्स से आता है, तो फिल्टर इसे व्हाइट आउट या सफेद कर देता है। जब अल्टरनेट करंट क्रिस्टल छोड़ देता है, तब पैनल पर काले बन जाते हैं। हालांकि लिक्विड क्रिस्टल पर करंट का प्रयोग करके लिक्विड क्रिस्टल के पोलराइजेशन को बदला जाता है, इस प्रक्रिया में वे ट्विस्ट या मुड़ते हैं और उस रास्ते को बदलते हैं जिसके माध्यम से प्रकाश को पारित किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप दूसरे पोलराइजिंग फिल्टर से आवश्यक रंग आता है, जो यूजर को प्रदर्शित किया जाता है। बैकलाइट कोल्ड कैथोड के रूप में कार्य करता है। एलसीडी मॉनिटर में कैथोड की संख्या अलग अलग होती है। इन कैथोड्स को प्लास्टिक की एक परत के माध्यम से डिफ्यूज करते हैं और फिर डिफ्यूजिंग पदार्थ की कई परतों के माध्यम से करते हैं। एलसीडी डिस्प्ले की विशेषताएं। एलसीडी मॉनिटर्स की कुछ विशेषताएं और गुण हैं जो उन्हें सबसे अलग करते हैं। वे हैं नेटिव या मूल रेजोल्यूशन, व्यूइंग कोण, ब्राइटनेस या ल्यूमिनेंस, कंट्रास्ट रेशियो या अनुपात, रिस्पांस रेट, एडजस्टेबिलिटी। एलसीडी डिस्प्ले की विशेषताएं। नेटिव रेजोल्यूशन। एलसीडी मॉनिटर एक विशेष रेजोल्यूशन में जानकारी प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह उनका नेटिव रेजोल्यूशन कहा जाता है। डिजिटल डिस्प्ले में प्रत्येक पिक्सेल एक निश्चित हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डॉट्स की मैट्रिक्स से संबोधित किया जाता है। रेजोल्यूशन सेटिंग्स बदलने से चित्र की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। व्यूइंग कोण। चित्र की गुणवत्ता एक विशेष कोण पर देखने से स्थिर होती है। इस कोण से परे चित्र धुंधली या गायब भी हो सकती है। व्यूइंग कोण सिर्फ किनारे से जांच नहीं की जाती है, बल्कि ऊपर और नीचे से भी की जाती है। ब्राइटनेस या ल्यूमिनेंस। यह मॉनिटर से प्रकाश की आउटपुट की राशि है। यह निट्स या कैंडेलास प्रति वर्ग मीटर में मापी जाती है। एक निट्स सीडी प्रति वर्ग मीटर के बराबर है। ब्राइटनेस की रेंज 250 से 350 सीडी प्रति वर्ग मीटर के बीच है। कंट्रास्ट और रिस्पांस रेशियो या अनुपात। कंट्रास्ट रेशियो एलसीडी मॉनिटर द्वारा उत्पत्ति किए गए चमकदार सफेद और गहरे काले के अंतर का परिमाण है। यह आमतौर पर रेशियो या अनुपात में व्यक्त किया जाता है। रेस्पॉन्स रेशियो पिक्सेल के रंग बदलने की गति की दर है। जितनी तेज रेस्पॉन्स होती है, उतनी अच्छी चित्र की गुणवत्ता होती है। एलसीडी पैनल में पिक्सेल और सब पिक्सेल आसानी से क्षीण नहीं हो पाती है। इसका कारण यह है कि बैकलाइट से प्रकाश और इलेक्ट्रोड से करंट कॉन्स्टेंट है। एडजस्टेबिलिटी। एलसीडी मॉनिटर को घुमाया जा सकता है, ऊपर और नीचे की ओर झुकाया जा सकता है और पोर्ट्रेट मोड से लैंडस्केप मोड में रोटेट किया जा सकता है।
इन्हें किसी भी स्थिति में माउंट किया जा सकता है क्योंकि वे हल्के वजन और पतले होते हैं। एलसीडी डिस्प्ले के स्पेसिफिकेशंस। जब एलसीडी डिस्प्ले का मूल्यांकन करें तब कुछ महत्वपूर्ण कारक विचार करने के लायक हैं। वे हैं रेजोल्यूशन बनाम रेंज, स्पेशियल या स्थानिक प्रदर्शन, टेम्पोरल या समय का प्रदर्शन, रंग का प्रदर्शन, रंग की गहराई या रंग का सपोर्ट। रेजोल्यूशन बनाम रेंज, रेजोल्यूशन लेवल की संख्या है जिसमें डिस्प्ले के प्रदर्शन को विभाजित किया गया है। इसे कई बार डिस्प्ले के रेंज से भी भ्रमित किया जाता है। रेंज प्रदर्शन की सीमा को संदर्भित करता है जबकि रेजोल्यूशन डिस्प्ले का एक फंक्शन है जिसके द्वारा डिस्प्ले कार्य करता है। स्पेशियल या स्थानिक प्रदर्शन। एलसीडी के स्थानिक डिस्प्ले डॉट पिच के रूप में जाने जाते हैं। एलसीडी का स्थानिक रेजोल्यूशन पिक्सल की कॉलम और रोज के संख्या में व्यक्त किया जाता है। टेम्पोरल या समय प्रदर्शन। टेम्पोरल प्रदर्शन वह विशेषता है जो अगर छोटी हो तो बेहतर है। यह एलसीडी के पिक्सल का रिस्पॉन्स समय है। सरल शब्दों में यह सब पिक्सल के द्वारा कितनी तेजी से उसकी चमक बदलती है उसको बताता है। रंग का प्रदर्शन। इसे अक्सर कलर गैमेट के रूप में उल्लेख किया जाता है जो डिस्प्ले किए जाने वाले कलर के रेंज को बताता है। यह एक सीधी सादी विशेषता है। रंग की एक रेंज जो कि कंटेंट से अधिक हो वह बेकार हो जाता है। रंग की गहराई या रंग का सपोर्ट। यह बिट्स में व्यक्त किया जाता है। यह बिट्स प्रति सब पिक्सल की संख्या या तो बिट्स प्रति पिक्सल की संख्या है। अक्सर डिदरिंग रंग की संख्या को दुगुना करने के लिए अपनाया जाता है जिसे डिस्प्ले किया जा सके, लेकिन यह अस्थायी प्रदर्शन की कीमत पर किया जाता है। एलसीडी डिस्प्ले का कॉन्फ़िगरेशन। एलसीडी मॉनिटर पर चित्रों को देखते हुए आप उम्मीद करते हैं कि चित्र स्पष्ट और साफ रहे। इसके अलावा आप ये भी उम्मीद करते हैं कि रंग प्रचुर, चमकीले और आकर्षक रहें। एलसीडी मॉनिटर के नेटिव रेजोल्यूशन ऑप्टिमल या सर्वोत्कृष्ट चित्र प्रदान करने चाहिए। एलसीडी मॉनिटर की सेटिंग कैलिब्रेशन की अनुमति देते हैं जो कि स्क्रीन की पेशी को एनहेंस करता है और यह कंट्रोल पैनल के माध्यम से किया जा सकता है। एलसीडी मॉनिटर की सेटिंग सीआरटी मॉनिटर से अलग होती हैं। अपने नेटिव रेजोल्यूशन में एलसीडी मॉनिटर एक सीआरटी मॉनिटर की तुलना में बेहतर टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। एलसीडी मॉनिटर उनके नेटिव रेजोल्यूशन की तुलना में कम रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर सकते हैं। जब रेजोल्यूशन कम हो जाता है तब चित्र छोटे बन सकते हैं और टेक्स्ट स्पष्ट नहीं होगा। इसी तरह एलसीडी मॉनिटर के लिए रंग भी बदला जा सकता है। एलसीडी डिस्प्ले दो विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं जैसे कि एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी और पैसिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी। एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी। अधिकांश एलसीडी एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। एक पतली फिल्म ट्रांजिस्टर छोटे ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स की व्यवस्था मैट्रिक्स के रूप में डिस्प्ले के ग्लास पर करता है। जब एक विशेष पिक्सल को संबोधित करने की जरूरत होती है तो उचित रो या पंक्ति ऑन किया जाता है और चार्ज उचित कॉलम को भेजा जाता है। कैपेसिटर्स केवल नामित पिक्सल में चार्ज प्राप्त करता है क्योंकि सभी कॉलम और रोज के इंटरसेक्शन स्विच ऑफ होते हैं। कैपेसिटर्स अगले रिफ्रेश साइकिल तक चार्ज रखता है। पैसिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी। जो एलसीडी पैसिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी का पालन करते हैं उनके प्रत्येक पिक्सल कंडक्टिव धातु के ग्रिड का उपयोग कर चार्ज होते हैं। पैसिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी पर आधारित मॉनिटर्स का उत्पादन कम महंगा होता है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की धीमी रिस्पॉन्स समय और वोल्टेज की गलत नियंत्रण की वजह से यह एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी की तुलना में शायद ही कभी प्रयोग किया जाता है। एलसीडी मॉनिटर्स के लाभ। सीआरटी मॉनिटर के स्थान पर एलसीडी मॉनिटर का आना इस तथ्य पर आधारित था
कि एलसीडी मॉनिटर्स के पास सीआरटी मॉनिटर्स की तुलना में कई फायदे थे। वे हैं, एलसीडी मॉनिटर हल्के वजन के और पतले होते हैं, यह कम स्थान घेरते हैं, स्क्रीन फ्लिकर नहीं करता, डिस्प्ले क्षेत्र अधिक प्रयोग करने योग्य है, एडजस्टमेंट स्टोरेज और एलसीडी मॉनिटर को एक से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान होता है, यह ऊर्जा एफिशिएंट होते हैं और ज्यादा गर्मी पैदा नहीं करते। स्क्रीन की एंटी ग्लेयर सुविधा आंखों को तनाव से बचाती है, यह खास तौर से वेब सर्फिंग के लिए अच्छे होते हैं। एलसीडी मॉनिटर के कुछ और भी फायदे हैं, टीएफटी लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी बेहतर चित्र और रंग की गुणवत्ता लाया है, इसे आवश्यकता के अनुसार माउंट किया जा सकता है, यह सीआरटी मॉनिटर की तुलना में कम बिजली, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र की उत्पत्ति करता है, एलसीडी मॉनिटर बड़े आकार का बनाया जा सकता है, एलसीडी सीधे डीवीआई या एचडीएमआई केबल से चलाए जा सकते हैं और एनालॉग में रूपांतरण की आवश्यकता नहीं है, कुछ एलसीडी मॉनिटर कंप्यूटर से प्राप्त पावर की सप्लाई पर चल सकते हैं, इसका मतलब यह है कि जब कंप्यूटर ऑन रहेगा तब मॉनिटर भी ऑन है। एलसीडी मॉनिटर की हानियां, एलसीडी के कुछ लाभ हैं जो कि बहुत सारे मुद्दों का हल करते हैं, वहीं इसकी बहुत सारी हानियां भी हैं। एलसीडी मॉनिटर की स्थिर पिक्सल रेजोल्यूशन है जो कि मॉनिटर द्वारा निर्धारित है और बाद में बदला नहीं जा सकता है, इसमें चित्रों की स्केलिंग की आवश्यकता है जो चित्र को डिग्रेड करती है, विशेष तौर पर उत्तम टेक्स्ट और ग्राफिक्स के लिए। एनालॉग इनपुट का उपयोग करने वाले एलसीडीज को सावधानीपूर्वक पिक्सेल ट्रैकिंग की एडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है, जिससे कि चित्र में डिजिटल शोर कम या समाप्त किया जा सके। व्यूइंग कोण बहुत सीमित होते हैं, हालांकि चरम व्यूइंग कोण पर कंट्रास्ट और कलर रिवर्सल संभव होता है, एलसीडी मॉनिटर को गहरे ग्रे और काले रंग के उत्पन्न करने में कठिनाई होती है, इसके कारण इसके कंट्रास्ट कम है और लो इंटेंसिटी कलर्स के लिए कलर की परिपूर्णता कम हो जाती है। चूंकि एलसीडी में अनियमित गामा और ग्रे स्केल है, यह पेशेवर चित्र के रंग संतुलन के लिए उपयुक्त नहीं है, एलसीडी इंटेंसिटी स्केल के ब्राइट एंड आसानी से ओवरलोड हो जाते हैं, यह सेचुरेशन और कंप्रेशन की ओर ले जाता है। चूंकि एलसीडी में अनियमित गामा और ग्रे स्केल है, यह पेशेवर चित्र के रंग संतुलन के लिए उपयुक्त नहीं है। एलसीडी मॉनिटर में कई कमजोर पिक्सेल हैं, जिसका अर्थ है कि वे स्थायी रूप से ऑन या ऑफ रहते हैं, इसका कारण यह है कि वे ठीक से निकटवर्ती पिक्सेल रोज और कॉलम से जुड़े नहीं होते हैं। तेजी से बदलती हुई चित्रों के मामले में चित्र निम्नीकृत या डिग्रेड हो सकता है, इसका कारण धीमी रिस्पॉन्स समय और गंभीर मोशन आर्टिफैक्ट्स में स्कैन रूपांतरण दर है। एलसीडीज का एस्पेक्ट रेशियो स्थिर है, एलसीडी मॉनिटर सीआरटी मॉनिटर से अधिक महंगे हैं, एलसीडी मॉनिटर की स्क्रीन नाजुक है, लापरवाही से हैंडल करने से दोनों स्क्रीन और बैकलाइट के लैंप को नुकसान पहुंच सकता है, स्टैटिक चित्र बर्न इन प्रभाव पैदा कर सकता है, निम्न तापमान वाले स्थानों में ब्राइटनेस की हानि हो सकती है और बहुत धीमा रिस्पॉन्स भी हो सकता है। एलसीडीज धूप की सीधी किरणों में बुरा डिस्प्ले देते हैं, ऐसे में कई बार डिस्प्ले मुश्किल से देखी जा सकती है, यह प्रकाश गन या प्रकाश कलम के साथ नहीं उपयोग किया जा सकता है। एलसीडी मॉनिटर के खतरे, हालांकि सीआरटी मॉनिटर की तरह एलसीडी मॉनिटर विकिरण या रेडिएशन नहीं उत्पन्न करता है, फिर भी एलसीडी मॉनिटर से जो रेडिएशन एमिट होता है वह हानि पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। एलसीडी मॉनिटर के निर्माण में सल्फर हेक्साफ्लोराइड की आवश्यकता होती है, यह पदार्थ ग्लोबल वार्मिंग में 20% से अधिक के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। इसके अलावा एलसीडी मॉनिटर के विनिर्माण में कई उत्पादों के द्वारा एसिड उत्पन्न होते हैं जो अम्ल या एसिड वर्षा का कारण बनते हैं। बढ़ती टेक्नोलॉजी के बावजूद यह समझना अच्छा होगा कि मॉनिटर के निर्माण में उपयोग किया जा रहा उत्पाद खतरनाक हो सकता है। एलसीडी मॉनिटर से लापरवाह तरीके से कचरे में डिस्पोज करना निश्चित रूप से सही नहीं है।
एक बार जब यह अनुपयोगी हो जाता है तब उचित व्यक्ति या कंपनी को उन्हें एकत्रित करने के लिए बुलाया जाना चाहिए। एलसीडी मॉनिटर के पार्ट्स को डिस्पोज और रिसाइकल करने के विभिन्न तरीके हैं। इसी तरह यह समझना आवश्यक है कि पूर्व प्रशिक्षण के बिना यह उचित नहीं है कि किसी भी प्रकार के मॉनिटर को खोला या डिसमेंटल किया जाए। कार्यप्रणाली में अपनाई गई प्रक्रिया जटिल होने के कारण परिणाम में यह सुरक्षा के कई मुद्दे भी उत्पन्न कर सकते हैं। निष्कर्ष। इस यूनिट में यूजर्स ने डिस्प्ले कार्ड एवं मॉनिटर्स के इन सब पहलुओं को सीखा। डिस्प्ले कार्ड के विभिन्न प्रकार, रेजोल्यूशन और रंग की गहराई या कलर डेप्थ, वीडियो मेमोरी, वीडियो ड्राइवर्स, मॉनिटर्स, सीआरटी निर्माण और उसकी कार्यप्रणाली, सी लैंग्वेज, हॉरिजॉन्टल स्टेज और 15 पिन इनपुट प्रकार के मॉनिटर, ब्लॉक आरेख और रंगीन मॉनिटर्स का विवरण, डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन एवं एलसीडी डिस्प्ले का परिचय।